आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम श्रद्धा यादव है, मैं राजनांदगांव से हूँ। मेरे पिता का नाम श्री अरुण कुमार यादव है, मेरी माता का नाम सीमा यादव है। मेरा जन्म तिथि 15/6/1998 है। मैंने एजुकेशन में BBA और PhD से किया है। मेरा गोत्र बघवा है और मैं फिलहाल में प्राइवेट स्कूल में ऑफिस का काम करती हूँ। माता का नाम है स्वर्गीय श्रीमती उषा यादव। मेरी शिक्षा है MSc रसायन शास्त्र में, BA+ MA इंग्लिश भी कम्प्लीट है। जन्मतिथि है 5 जुलाई 1994। गोत्र है भूपेंद्रिया। मैं अंबागढ़ चौकी से आई हूँ। धन्यवाद। मेरा व्यवसाय रिसेप्शनिस्ट है और मेरे पिता का व्यवसाय दर्जी है और मेरा निवास पुराना राजेंद्र नगर कटोरा तला रायपुर है। मेरा मोबाइल नंबर 6266742061 है। बड़ों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है कुमारी बिंदु यादव। मेरे पिताजी का नाम है श्री प्रभु राम यादव, माता जी का नाम श्रीमती शांति यादव और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 23/3/1994। क्वालिफिकेशन है BCIVIL और वर्तमान में मैं जनपद पंचायत भानु प्रताप जिला कानपुर में तकनीकी सहायक पद पर कार्यरत हूँ और मेरे पिताजी DO ऑफिस में कार्यरत हैं कानपुर में और हमारा पता है शिवनगर कानपुर। जैसे आपने देखा था कोसरिया यादव समाज के युवा युवती परिचय सम्मेलन रायपुर में चला थे, परिचय बताओ आपन कहाँ से आए हो? मैं ग्राम थुआ पोस्ट नंबर और जिला धमतरी से। कहाँ तक है आपकी एजुकेशन? मैं तो पहले तो BSc फाइनल ईयर मैथ्स में की हूँ, उसके बाद DCA की हूँ, उसके बाद फिर MSc कर रही हूँ अभी, जिसमें फर्स्ट सेम कंप्लीट हो गया है और सेकंड सेम में रनिंग कर रही हूँ अभी। आपके लिए एक्सपेक्टेशन क्या है जीवन साथी को लेकर, क्या सोचे हो आप, कैसा होना चाहिए? मेरे हिसाब से जैसे मैं हूँ, जैसे मेरा स्टडी है उस हिसाब से, मतलब मेरे को ऐसी ही चाहिए। मेरे हिसाब से तो मैं ये कहना चाहूँगी कि या तो फिर गवर्नमेंट जॉब हो जो सीमित पे हो, या तो फिर अच्छा बिजनेसमैन हो जो आगे चल के मतलब अच्छे से रख सके, या तो फिर आगे लाइफ पार्टनर के लिए मैं बेहतर समझता हूँ। आंटी जी आप क्या कहेंगे, आई हैं बेटी के लिए आप वर्ल्ड खोजने आए हैं, क्या कहेंगे? जी मैं सीमित फैमिली से हूँ, मेरी दो गोड़िया बस है, लड़का तो नहीं है, एक लड़की की शादी हो गई, वो फाफाड़ी रायपुर में आई हैं। तो मैं चाहूँगी कि मैं परिवार अच्छा रहना चाहिए और लड़का कमाऊ रहना चाहिए। नहीं सर, सर हम लोग चाहेंगे कि मेरी गुड़िया भी पढ़ाई भी अच्छी सी कर रही, हम लोग भी इसके जॉब के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि फॉर्म वॉर्म डाली है तो चाह रहे हैं कि अच्छा सा जॉब हो। तो कहाँ से आंटी आप लोग? हम जी नहीं नहीं हम लोग कुरुद धमतरी से आए हैं। देखा तो युवा युवती परिचय सम्मेलन चल रहे थे कोसरिया यादव समाज के, हमारे साथ कुछ युवतियाँ मन चर्चा में जुड़ी होकर संग मन बात करता हूँ। मेरा नाम पूजा यादव है, मैं मटपारा रायपुर से हूँ। कहाँ सोचा था अपन लाइफ पार्टनर पर, अपन का एक्सपेक्टेशन है कैसा होना चाहिए उसके बारे में थोड़ा बताओ। अब हम लोग तो पढ़े लिखे हैं अभी, थोड़ा सा अपने ग्रेजुएशन के हिसाब से ही लड़का सोच रहे हैं, इसलिए परिचय सम्मेलन में आए हुए हैं, तो इसमें थोड़ा सा हेल्प हो जाता है। बहुत सारे लड़के परिचय दिए, कोई पसंद आया आप लोगों को? अभी तो थोड़ा कन्फ्यूज़न है, सोचेंगे। कौन कौन आया फैमिली से यहाँ पर? फैमिली में मेरे मौसा मौसी और मामा मामी आए हुए हैं, पापा ड्यूटी के हैं तो अभी नहीं आए हैं। अपन कहाँ से परिचय? गणेश चौक मटपारा से। मटपारा से जी। तो कहाँ सोचे हो अपन लाइफ पार्टनर पर कैसा होना चाहिए? अब जी हम लोग जिस हिसाब से पढ़ाई किए उस हिसाब से हम लोग लड़का देख रहे हैं, है ना, और अभी देखे हैं तो अभी तो कुछ समझ आया नहीं है, अभी भी देख ही रहे हैं, अगर समझ आएगा तो यहीं बात हो जाएगी तो ज़्यादा अच्छी बात। के लिए क्या कहना चाहिए उन सब सभी को? आना चाहिए, तभी तो पता चलेगा ना कि कहाँ से कौन आया है, कहाँ से क्या है नहीं आया है करके, तो सबको यहीं आके पता करना चाहिए। कौन कौन आया आपके साथ फैमिली में? मेरे साथ मेरी बुआ फूफा मेरी मम्मी। मैं सभी के लिए यही बोलूँगी कि परिचय सम्मेलन में सबको आना चाहिए, अपना अपना अटेंडेंस देना चाहिए, तभी एक दूसरे को पता चलेगा कोसरिया समाज में जितने भी कैंडिडेट हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, सब बायोडाटा उन्हीं के थ्रू पता चलता है, तो सभी को आना चाहिए। तो आप यहीं रायपुर के ही हो मतलब? हाँ, प्रॉपर। तो ये हमारे साथ चर्चा में जो युवती मन जुड़े रहे रायपुर से आए हैं परिचय देवर, तो और भी जन आए होकर संग बात करो, आप मन जुड़े रहो News 72 में। हमारे साथ फिर से एक युवती बहनी जुड़ी, बहनी कहाँ से आए हो आप मन थोड़ा परिचय बताओ? रायपुर बैरन बाजार से आई हूँ। कैसे खोजा तो आपन हस्बैंड, अपन कैसे लाइफ पार्टनर होना चाहिए थोड़ा बताओ? मैं सपोर्टिव होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए बस। और कौन आए साथ में आपके? मैं साथ मम्मी बुआ। मम्मी बुआ है? हाँ। तो इतना जन देखे हो आप में, एक बार में से कोई पसंद वसंद आए? नहीं मैं तो अभी आई हूँ भैया, पेपर दे के। नहीं हो आपके उधर? नहीं मैं तो अभी आई। फैमिली वाले मन भी आए बात करता हूँ, आंटी जी आए हैं, आंटी जी बताओ थोड़ा कैसे दामन खोजा था आप मन?
मैं तो अपनी भांजी को लेके आई हूँ यहाँ, कांकेर से आई हुई है वो, मैं उनसे बात कराती हूँ। आ जाओ भांजी जी से बात करता हूँ। कहाँ से आए आप, मैं थोड़ा परिचय बताओ। कांकेर से आई हूँ मैं। अब वही है, एजुकेटेड चाहिए, जैसा खुद का क्वालिफिकेशन है थोड़ा उस हिसाब से देख रहे हैं। नहीं वैसा उतना रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सेटल्ड देख रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब में हो तो खुद गवर्नमेंट जॉब में हूँ, लेकिन कहाँ पे हो आप? मैं कांकेर में ही हूँ, जनपद पंचायत में हूँ, इंजीनियर के पोस्ट पे। मुझे टीवी में देखा थे पर पहुँच नहीं सकते, उगर मन से कहाँ कहना चाहो आप? बहुत बार कार्यक्रम चलाते यही कहना चाहूँगी, मेरे को तो आके बहुत अच्छा लगा और मैं पहली बार आई हूँ अपने सामाजिक कार्यक्रम में, तो बहुत प्राउड फील हो रहा है देख के कि मेरे समाज में इस टाइप का भी होता है, मेरे को नहीं पता था। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं कांकेर ज़िले से आई हूँ जी। मामा मामी रहते हैं यहाँ पे, तो उनके घर पे आए थे और फिर आज साथ में मामा जी हैं, वीडियो बना रहे हैं। इनके पापा जी हैं। पापा जी हैं। पापा जी हैं, बात करता हूँ। अंकल कैसे खोजा? तो अंकल दमान कैसा होना चाहिए थोड़ा बताओ ना। आसपास छत्तीसगढ़ में सर्विस वाला हो जाए, शासकीय नौकरी जो भी है। अभी कर्नाटक वाले एक जन फोन करके मिले भी थे, तो अभी बायोडाटा भिजवाया है। कोई लड़का पसंद ऐसे लाए कि नहीं आप? इतना जन बच्चे वर्चे दिए आज, तो उसमें तो नहीं है। और कहाँ के होना चाहिए? कांकेर के खोजा तो रायपुर के भी चल जाएगा। रायपुर का भी चलेगा, चलेगा। रायपुर में ससुराल भी है तो यहाँ का भी चल जाएगा। कांकेर में सर्विस है, सागरदों में खंड शिक्षक कार्यालय में। अच्छा आप भी पोस्ट में हो? हाँ। तो गवर्नमेंट वाले दमान चाहिए ऐसा तो नहीं है मुझे? नहीं, प्राइवेट जॉब में भी कुछ अच्छा एजुकेशन वाला होगा तो चलेगा, वही देख रहे हैं। ये देखा तो रहा अंकल जी बताते रहे, प्राइवेट जॉब भी चल ही करके और रायपुर के लड़का भी चल जाए। और भी जन आए हैं, बात करता हूँ। आप जुड़े रहो न्यूज 72 में। कहाँ से आए हैं, पहले परिचय बताइए। मेरा नाम अंजलि यादव है, मैं यहीं रायपुर से ही हूँ। क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं आप, परिचय दे रहे थे अभी, तो अपने जीवन साथी को लेकर क्या सोचा आपने, कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए और मतलब बिहेवियर उनके अंदर, लोगों को रिस्पेक्ट करने का भाव होना चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट करे, मेरी फैमिली को रिस्पेक्ट करे, अच्छा अच्छी फैमिली से बिलोंग करना चाहिए। ज़्यादातर लड़कियां यहां पर गवर्नमेंट जॉब पे ज़्यादा फोकस रहता है, गवर्नमेंट जॉब वाला होना चाहिए, ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट तो नहीं है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, गवर्नमेंट जॉब वाला होना चाहिए, बस वेल बिहेव्ड होना चाहिए, सबकी रिस्पेक्ट करे, अच्छे से रखे। अभी स्टडी चल रही है क्या आपकी, ड्यूटी चल रही है? हाँ मेरा भी तो स्टडीज चल रहा है मेरा। हाँ अभी मैं, मेरा नाम अंजलि यादव है, मैं अभी बीएससी हो चुका है, एमएससी हो चुका है, अभी मैं बीएड कर रही हूँ। यही बोलूँगी कि आइए पार्ट लीजिए, हर साल यहाँ पे ये होता है युवक युवती परिचय सम्मेलन हमारे कोसरिया यादव समाज में, आप लोग आइए देखिए, हो सकता है आपको अपने जीवन के लिए बहुत अच्छा हमसफर मिल जाए। परिचय सम्मेलन चल रहे थे कोसरिया यादव समाज के आज रायपुर में, हमारे साथ कुछ युवक मन चर्चा में जुड़ी। भाई कहाँ से आए आप, मन थोड़ा परिचय बताओ। जी भैया मैं जय जवाहर जय छत्तीसगढ़ के लिए नाम करना चाहता हूँ। मैं कुरुद बिराय दुर्गा छत्तीसगढ़ से हूँ भैया, और यहाँ यादव सम्मेलन में आया हूँ लड़की देखने के लिए। कैसे खोजा था आप मन, अपन लाइफ पार्टनर पर कैसे होने चाहिए, कहाँ है थोड़ा बताओ? मतलब जैसे वही भैया कि थोड़ा पढ़े लिखे रहे और अच्छा हो रहे और घर का काम कर सके, घर वर संभाल सके। हाँ घर संभाल सके, मम्मी पापा का ख्याल रख सके, और यही इसलिए आया हूँ। दोनों सर्विस करें ऐसा कुछ? बस थोड़ा पढ़े लिखे रहे और ज्यादा कुछ नहीं, घर का काम कर सके। कौन आए हैं साथ में आप? मेरे साथ मम्मी आई भी। मम्मी आए हैं तो आंटी जी आप बताओ थोड़ा कैसे बहू खोजा था आपमन? संस्कारी रहे, घर संभाल ले, जो भी बड़े आए उसका सम्मान दे, इस टाइप का चाहिए। तो अभी इतना जन परिचय दे हैं, तो कोई पसंद वसंद आए? नहीं अभी डिसाइड नहीं किए हैं, देख रहे हैं, बता रहे हैं, परिचय कर रहे हैं, लेकिन अभी डिसाइड नहीं किए हैं, सोचेंगे समझेंगे उसके बाद ही बतला सकते। अंकल जी आए कि नहीं? नहीं आए हैं, और ड्यूटी पर हैं। हम दोनों आए हैं, मेरी बुआ आई है, मेरी बहन आई है बड़ी वाली, और ये लड़का है। आंटी जी बताते रहे घर संभालने वाली होनी चाहिए सबसे पहले प्राथमिकता, तो यही है बताते। तो और भी जन आए हैं, ओकर संग बात करता हूँ। आप मन जुड़े रहो न्यूज 72 में।